हमारे सभी व्यूअर्स को बी एस एफ के उनसठवे रेजिंग डे की हार्दिक शुभकामनाएं स्वागत है आज की इस खास पेशकश में वी ऑल नो दैट द टेक्नोलॉजी इज इन एवर इवॉल्विंग लैंडस्केप प्रकृति का एक ही नियम है बदलाव बदलाव चाहे टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो चाहे खेल कूद की फील्ड में हो या मेंटल और फिजिकल वेलबींग की फील्ड में हो ये सारे बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं बदलते वक्त के साथ बदलना भी बेहद ज़रूरी है और इसी विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री नितिन अग्रवाल जी डायरेक्टर जनरल बीएसएफ सर आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार नमस्कार सर 59 नाइन ग्लोरियस ईयर्स ऑफ बीएसएफ सबसे पहले आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू इन 59 नाइन ईयर्स में भारत ने वॉर्स भी देखे हैं और काफ़ी चेंजेस भी देखे हैं हर फील्ड में तो ये जो 59 नाइन ईयर्स की जर्नी है ये कैसी रही है अभी तक ये बहुत ही इवेंटफुल जर्नी रही है और इस जर्नी में इतने अट्ठावन सालों में हमने जो अपनी ज़िम्मेदारी का दायरा है वो बहुत बढ़ाया है पहले हम सिर्फ 25 बटालियन से शुरू हुए थे और आज हम 200 बटालियन के करीब पहुंच गए हैं और इसमें जो हमारा पहले जो कोर रोल था वो था पाकिस्तान के साथ सरहद की सेफ करना उसको उसकी रक्षा करना तो जब उन्नीस में पाकिस्तान वॉर हुआ और बांग्लादेश बना तो बांग्लादेश बॉर्डर भी हमारे पास रहा क्योंकि वो पहले भी ईस्ट पाकिस्तान के तौर पर हमारे पास वो सरहद थी उसके साथ साथ समय गुजरते हमारे पास एंटी नक्सल ऑपरेशन की भी ड्यूटीज़ आई और हम छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्यों में नक्सलवाद के ख़िलाफ़ भी मुहिम चला रहे हैं और 2004 में जब आ, सुनामी आया था उसके बाद एन का गठन हुआ था उसमें भी हमारी चार बटालियंस एन में भेजी गई हैं बी से जो वहाँ परमानेंटली काम करती हैं और देश विदेश में आपदा के समय अपना जौहर दिखाती हैं और लोगों को आ, मुश्किलों से बचाती हैं अगर हम ऑपरेशंस की बात करते हैं डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं तो ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे दोनों जगह बीएसएफ की प्रेजेंस है मगर इनके अलावा भी और अलग क्षेत्रों में भी बीएसएफ की प्रेजेंस देखी जाती है तो और किस जोन्स में बीएसएफ की प्रेजेंस है जैसे मैंने कहा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में हम नक्सलवाद के खिलाफ भी लड़ रहे हैं तो वहाँ पे भी हमारी साइजेबल प्रेजेंस है और एनडीआरएफ जो आपदा प्रबंधन के लिए बनाई गई है फोर्स उसमें भी हमारी चार बटालियंस हैं जो शिरकत कर रही हैं और उन्होंने बड़े अच्छे कारनामे किए हैं देश विदेश में उन्होंने डिज़ास्टर रिस्पॉन्स में अपनी भूमिकाएं निभाई हैं और बड़ा अच्छा नाम देश के लिए भी किया है और उसके अलावा हम लोग लॉ एंड ऑर्डर में भी आ, स्टेट पुलिस की मदद करते हैं कई जगह हम डिप्लॉयड हैं लॉ एंड ऑर्डर में जैसे कश्मीर में भी हैं और दूसरे स्टेटों में भी होते हैं मणिपुर में अभी हम लोग काफ़ी नंबर्स में डिप्लॉयड हैं ये सब ड्यूटीज़ हम कर रहे हैं जी यू कम फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड और टेक्नोलॉजी के अपने पक्ष और विपक्ष दोनों हैं तो एक ड्रोन की समस्या हम देख पा रहे हैं ड्रोन जहाँ काफ़ी सहायक भी है मगर इट कम्स विद इट्स ओन डिसएडवांटेजेस तो जो ड्रोन की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उस पर बी एस एफ कैसे कार्यरत है जब ये ड्रोन शुरू हुए तो पहले तो हम सिर्फ राइफल से ही उसको हैंडल करते थे और आपको जानकर खुशी होगी जो बी एस एफ की महिला कर्मी हैं वो भी बॉर्डर पर डिप्लॉयड हैं पंजाब बॉर्डर पर भी हैं तो कुछ ड्रोन तो उन्होंने अपनी राइफ़ल से मार के गिराए हैं तो हमारे जो सीमा भवानी हम उनको कहते हैं जो हमारी महिला बल सदस्य हैं तो वो भी बड़ी कर्मठ और जाबाज़ हैं उन्होंने भी गिराए हैं हमने टेक्नोलॉजी की भी सहायता ली है और उससे भी हमें काफ़ी कामयाबी मिली है तो इस साल मैं आपको बताऊं अब तक इस साल में तकरीबन 300 किलोग्राम से ज़्यादा हीरोइन बीएसएफ ने पकड़ी है ड्रोन्स के ज़रिए जो बाहर मुल्क से आ रही है तो इतने ड्रोन्स हमने सौ के करीब ड्रोन्स गिरा दिए हैं और कई ड्रोन्स अगर नहीं भी गिरे तो भी जो सामान गिराए हैं वो हम लोगों ने जब्त किया है और गांव वाले इसमें हमारे साथ बड़ी मदद करते हैं किसी की अगर खेत में भी पड़ा मिले कोई नहीं देख रहा हो तभी वो आके हमको बताता है कि साहब हमारे खेत में ऐसा कंसाइनमेंट पड़ा है या ड्रोन गिरा हुआ पड़ा है क्योंकि फसल होती है या जंगलात होते हैं तो कई बार ड्रोन गिर भी जाए नज़र नहीं आता तो जब लोगों को मिलता है तो वो भी हमको आके बता देते हैं कि साहब ये ड्रोन यहाँ गिरा हुआ है और यहाँ इतना एक पैकेट सा है जो बाद में केमिकल एग्जामिनेशन के बाद पता चलता है कि ये हेरोइन है इफ़ यू टॉक अबाउट अदर मैन इन यूनिफाम अगर हम आर्मी की बात करते हैं अदर फोर्सेज की बात करते हैं तो उनको हमेशा सिविलियन से थोड़ा दूर रहने के लिए कहा जाता है बट वेन वी टॉक अबाउट बी एस एफ तो ये देखा गया है कि काफ़ी हारमोनी में रहते हैं बी एस एफ और जो लोकल विलेज हैं बॉर्डर्स तो उसके लिए भी कुछ खासा प्रयास किए जा रहे हैं जो बी की संरचना है वो ऐसे समय में हुई है जब बॉर्डर पर लोग पहले से मौजूद थे फॉर एग्जांपल, पंजाब में जब पंजाब का पार्टीशन हुआ आज़ादी के टाइम तब इट वाज़ अ कंटीन्यूसली पॉपुलेटेड प्लेस तो जब बीच में विभाजन हो गया तो बॉर्डर पर भी लोग रह रहे थे और 1965 से बीएसएफ एस वहाँ है तो एज ए रिज़ल्ट जहाँ बी एस एफ फ्रंट लाइन के जो हम बोलते हैं फ्रंट लाइन में रहती है एकदम ज़ीरो लाइन पे हम रहते हैं तो वहाँ तक खेत है तो लाजमी है कि लोग जो है वहाँ तक आएंगे अपने खेत को जोतेंगे तो हमसे संपर्क होगा ही होगा और वो हम हम उनकी भी मदद करते हैं कई बार हॉस्पिटल जो हमारे जो डॉक्टर्स है रेगुलरली उन लोगों को देखते हैं जहाँ अस्पताल नहीं है कई बार हमारे फील्ड हॉस्पिटल्स में लोकल्स की सर्जरी भी हम कर देते हैं और भी कोई फिर दूसरे हमारे सिविक एक्शन प्रोग्राम्स होते हैं जो सरकार हमें फ़ंड देती है तो लोकल पापुलेशन के साथ मेल मिलाप रखने के लिए हैं और उनकी सहायता करने के लिए हैं। तो कई बार कुछ स्कूलों में आ, या तो पढ़ाई की सामग्री ब्लैक बोर्ड या कुछ और बेंच एंड चेयर नहीं होती तो हम वो भी प्रदान कर देते हैं खेल का सामान देते हैं और कई जो ज़्यादा गुरबत वाले इलाके हैं वहाँ पे कई बार हम लोग कंबल इस टाइप की जो कपड़े ये भी बांटते हैं और उनके साथ कुछ इन्वॉलमेंट uh, रखते हैं ताकि कुछ वहाँ स्किल डेवलपमेंट भी हो जैसे योगा का बंगाल साइड में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा किया हुआ है और वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और दूसरी बात यह है कि वो कोई भी इलीगल इन्फिल्ट्रेसन या कोई स्मगलिंग हो तो उसके खिलाफ दे आर आवर ओन आर्मी तो वो हमारे लिए काम करते हैं आ, हमने कहा नहीं वो खुद ही करते हैं सो दे आर सो मोटिवेटेड एंड इन्वॉल्व विद अस सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया टू इन्वॉल्व पीपल अगर बात की जाए इंडो पाक बॉर्डर्स की वहाँ पर डिस्टर्बेंस रहती हैं मगर इंडो बांग्लादेश बॉर्डर्स की बात करें तो वहाँ पर रिलेशन अकॉर्डियल मगर वहाँ भी कुछ अपने चैलेंजेस रहे होंगे और रहते भी हैं hmm. तो वाट आर दो चैलेंजेस जो आपको खासतौर परंग्लादेश बॉर्डर्स पर देखने को मिलते हैं देखिए इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे वैसे तो पीसफुल है हमारे कभी उनसे एक्सचेंज ऑफ फायर वगैरह नहीं होता है लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर के दूसरे अपने मसाइल हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ से इलीगल इन्फिल्ट्रेशन शुरू से ही एक चैलेंज रहा है और उसको चेक करने के लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ते हैं कई जगह हमने फेंस भी लगाई है उसमें भी कई बार ब्रीच होता है कई जगह फेंस नहीं है नहीं लगाई जा सकती क्योंकि वहाँ रिवराइन एरिया है रिवर्स हैं तो उनके दूसरे बंदोबस्त करने पड़ते हैं तो इनफिल्ट्रेशन इज़ वन बिग चैलेंज दूसरी चीज़ कैटल स्मगलिंग वहाँ पे गाय का मांस खाया जाता है हमारे यहाँ इसको नहीं अच्छा देखा जाता तो वहाँ पे अच्छे पैसे मिलते हैं गाय के तो इसलिए बहुत लोग कोशिश करते हैं गाय वहाँ ले जाना और चोरी छुपे और नदी के थ्रू तो वो एक चैलेंज होता है तो वो लोग हम पर अटैक भी करते हैं क्योंकि हम लोग वहाँ फायर आर्म्स नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि फ्रेंडली कंट्री और हम लोग नहीं चाहते कि किसी भी अफराद की जान जाए चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे बांग्लादेशी हो तो हम लोग थोड़े से हल्के हथियार इस्तेमाल करते हैं तो कई बार इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं वो हमको अटैक करते हैं तो फिर उन पर फिर कार्रवाई करते हैं तो ये एक चैलेंज है फिर यहाँ से एक फैंसीडिल दवाई होती है जो नशा थोड़ा बहुत देती है तो उसकी बड़ी डिमांड है वहाँ क्योंकि वहाँ नशाबंदी है अदरवाइज तो जब ये दैट बिकम्स वेरी ल्यूक्रेटिव तो अ लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू स्मगल इन इन टू बांग्लादेश फ्राम इंडिया तो वो एक चैलेंज है रोकना फैंसी डिल और उससे रिलेटेड कई सारी दवाइयाँ थोड़े बहुत डिफरेंट नाम के हैं बट जो उसका कंपोजिशन है बेसिकली वही है जो कफ सिरप के नाम से हम लोग जानते हैं तो उसका एक चैलेंज है वो भी बांग्लादेश वाले भी चाहते हैं कि हम ना आने दें क्योंकि दैट इज़ देयर पॉलिसी तो वो उसको रोकना भी चैलेंज है क्योंकि बड़ी छोटी होती है और खेत एकदम लगे हुए हैं कई घर तो ऐसे हैं कि आधे बांग्लादेश में आधे इंडिया में हैं तो हाउ डू यू चेक इट सो दैट इज़ ए वेरी बिग चैलेंज फिर बॉर्डर्स बहुत बड़े बड़े हैं तो वी आर समाइम्स टू थेन बिकॉज और चीज़ों के लिए भी हम लोग भेजते हैं तो वो भी चैलेंज है फिर बांग्लादेश का जो गोल्ड कंट्रोल रजीम है रजीम वो काफ़ी ईजी है टू तो ब्रिंग इन गोल्ड इन टू बांग्लादेश एज ए स्टेट पॉलिसी और इंडिया में जो टैक्सेस वगैरह हैं उसकी वजह से जो डिफरेंशियल है बिटवीन दी गोल्ड रेट्स इन बांग्लादेश एंड इन इंडिया इज़ वेरी ल्यूक्रेटिव तो एज अ रिजल्ट लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू स्मगल इन तो वो भी हम चेक करते हैं तो उसमें भी कई बार खींचतान कुछ होता है वी ट्राई टू यू नो डू इट इन द मोस्ट पीसफुल मैनर एंड वी यूजली आर सक्सेसफुल इन डूइंग दैट एंड लेट मी टेल यू दैट वी हैव

And put them in a box and made a kind of a, you know contraption and tied it to the dog's harness. Mm -hmm. And we run the dog under the railway which comes to India from Bangladesh and it gives us a live telecast of what is there under the carriage. Mm -hmm. So, it is made life easy for our troops, otherwise, they had to go under the carriage and look at every knock and corner if any contraband is hidden there. Mm -hmm. So, that is one example. Then we have uh, anti drone systems. एंड सेवरल अदर थिंग्स हेल्प इन अवर जॉब स्थापना दिवस की अगर बात की जाए तो अक्सर इसकी सेलिब्रेशंस दिल्ली में हुआ करती थी मगर बीते तीन वर्षों से अलग अलग जगहों पे हो रही है इस साल झारखंड में हो रही है तो इस बदलाव का क्या रीज़न रहा है सिर्फ दिल्ली में होने से जो बाकी देश की जनता है उनको इन सब उत्सवों का पर्वों का न तो मुजाहरा मिलता है और ना उसका आनंद उठाने का अवसर मिलता है और दूसरी ये एक और भी अच्छा है ये है कि इससे पब्लिसिटी भी होती है बल की तो लोग भी आकर्षित होते हैं सो वी गैट अ बिगर टैलेंट पूल टू चूज़ फ्राम सो आई थिंक इस फैंटास्टिक प्लस वहाँ थोड़े बहुत लोकल विकास भी हो जाते हैं जो हमारी इकाइयाँ मफसिल एरियाज़ में हैं तो वहाँ पे जब इस तरह के फंक्शन होते हैं तो थोड़ा और विकास हो जाता है तो हमारे जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा इज़ाफा होता है तो आई थिंक इट्स ए ग्रेट आइडिया आजकल मेंटल हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिस पे हम सब बात कर रहे हैं फिजिकल हेल्थ पे तो हम ध्यान देते ही हैं मगर uh, मानसिक सेहत पे भी काफी ध्यान देना महत्वपूर्ण है हाउ बीएसएफ इज हेल्पिंग इट्स सोल्जर्स टू वर्क ऑन देयर मेंटल हेल्थ यू सी बीएसएफ इज अ वेरी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन सो एंड राइट फ्रॉम द स्टार्ट वी हैव पेड अटेंशन To both physical as well as mental health of, of our troops. So, for example, we have a buddy system. Now, buddy system means every soldier has a buddy who is his close friend, who is his close comrade, and they go in the battle together, they do duty together, they take rest together, like that. So, they are kind of with each other most of the time. So, as a result, they have some kind of moral support, emotional support. Then uh, some comfort factor is there when some harsh duties are given. then if some untoward incident happens at home, there is somebody to console him and he knows what's going on in his life and if one soldier shows some kind of symptoms, we suggest that he is in depression or he is too sad about something and he could have destructive thoughts, etc. So we take suitable action because uh, he is there to tell us that he is in trouble, he needs help so these seniors, the company commander and the commandant can come to his rescue and you know counsel him. And if there is help, they can render, for example, they can talk to the uh, district police or the collector in his district, and maybe some relief from the government uh, agencies can be given. That also helps. Right. And then we have doctors who regularly uh, you know examine our guys who show some symptoms like this. We have psychiatrists. सो वी आर फुली प्रपेरड फॉर कीपिंग दी जवान्स एंड ऑल ऑफिसर्स इन गुड मैंटल एंड फिज़िकल हेल्थ बहुत टफ टेरेंस में भी डिप्लॉयमेंट होता है जहाँ पर सिचुएशंस काफ़ी हार्श होती हैं उधर भी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं सहायक है हमारे जवानों की टेक्नोलॉजी बहुत सहायक है।, uh, है हमारे जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट होती हैं यूजली हाइट्स पर होती हैं और हमारी कई पोस्ट इधर चौदह हज़ार फुट से भी ऊपर हैं वहाँ ऑक्सीजन भी थोड़ी रेयर होती है एंड एवरी स्टेप इज अ चैलेंज एंड अवर गाइज माउंट सरमाउंट दिस चैलेंजेस एंड दे डेफिनेटली यूज़ अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इज़ द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू माइंड दैन कम्युनिकेशन ऑल्सो हैज मैनी पैराडाइम्स फॉर एग्जाम्पल इंक्रिप्शन डिजिटल एनालॉग सो दैट इज़ ए होल आउट ऑफ थिंग्स दैन वी हैव रेडार्स वी हैव अदर डिवाइिज विच आर हेल्पफुल इन लोकेटिंग

भारत ने गोल्ड मेडल जीता था उसके कप्तान हॉकी टीम के अजीत पाल सिंह थे जो बीएसएफ के अफसर थे आपने मिस्टर प्रवीण को देखा होगा जो महाभारत एक सीरियल था वो भी एक स्पोर्ट्समैन थे और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जो इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसे अनगिनत खिलाड़ी हैं हर स्पोर्ट में बीएसएफ के भी हैं हमारी आर्चरी की टीम भी बहुत अच्छी है और कई टीमें हैं बीएसएफ की जो जलंधर में टीम होती थी मुझे याद है मैं बचपन में पढ़ा करता था कि इंडियन एयरलाइंस की बी एस एफ जलंधर एंड ई एम ई जलंधर दीज वर थ्री गुड हॉकी टीम्स इन सेवेंटीज़ जब मैं स्कूल में जाता था तब मैं अखबारों में पढ़ता था स्पोर्ट्स का शौक़ था और तब से ही और उसके पहले जब से बी एस एफ बनी है तभी से इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है और अभी भी हम नए नए अभी माउंटेनियरिंग में हम लोगों का फोकस है एडवेंचर स्पोर्ट्स में mm -hmm. तो अभी हम लोगों का एक माउंटेनियरिंग uh, टीम गया था माउंट मनासलू एट थाउजेंड प्लस मीटर्स है और खुशी की बात उसमें ये उसमें महिलाएं भी थी एंड दे समिटेड ऑन द फर्स्ट सो दैट इज़ वेरी यू नो हार्टनिंग फॉर अस दैट आवर वमेन सोल्जर्स ऑल्सो समिटेड वेरी हाई पीक एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू सेंड एन ऑल वुमेन माउंटेनियरिंग एक्सपिडिशन एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग लॉन्ग वन राइड फ्राम दी औरजिन ऑफ गैजेस टू वेर इट मीट्स दी वे बेंगोलिए तो खैर माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन की बात हो गई और कहाँ कहाँ पर हम नारी सशक्तिकरण देख सकते हैं बी एस एफ में आप देखिए हमारी जो नारियाँ हैं वो सारे काम कर रही मैंने आपको बताया वो ड्रोन्स गिरा देती हैं और आपकी आपने शायद देखी होगी हमारी जो मोटरसाइकिल की जो महिलाओं की टीम है वो बड़े बड़े कर्तब करती हैं पहले जेंट्स किया करते थे सिर्फ लेकिन अभी ये चलन हो गया है कि बीएसएफ में मैं अभी सी से पहले था इसमें तो सी में भी महिलाओं की मोटरसाइकिल की जाबाज टीम है ऐसे यहाँ पर भी है और वो इतनी पॉपुलर है कि हमको रोज़ कहीं ना कहीं से डिमांड आती है कि इनकी आपकी जो महिलाओं की मोटरसाइकिल जाँबाज टीम है उनको हमारे पास भेजिए कोई डेमानस्ट्रेशन करेंगे लोग देखने के लिए बड़े उत्सुक हैं तो हम हर जगह तो नहीं भेज पाते हैं बट जहाँ तक हो सकता है हम लोग कोशिश करते हैं फैमिलीज की अगर बात की जाए तो फैमिलीज़ uh, को किस तरह का सपोर्ट मिलता है लीव्स कैसे दी जाती हैं बिकॉज लीव्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जी तो इस पर कैसे कार्य होते हैं एक्चुअली फैमिली हमको ज़्यादा सपोर्ट करती है बनस्बत हम उनको सपोर्ट करने के आपको मैं बताऊँ आप जाहिर सी बात है जब ड्यूटी है तो हम सबको एक साथ छुट्टी नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि फिर बॉर्डर में कौन खड़ा होगा जी. तो इसलिए हमारे जो ज़्यादातर लोग हैं होली दिवाली पे अपने घर में नहीं बना सकते हैं. तो इस सिलसिले में परिवार हमारा सपोर्ट करते हैं दे एक्सेप्टेड दे डोंट इवन कम्प्लेंट और जिस साल छुट्टी मिल जाए तो हर मनाने की वो तो उनके लिए बोनस है ही वी आर ट्यून टू यू नो लिव लाइक दिस सेलिब्रेट फेस्टिवल्स अवे फ्राम फैमिलीज सो देट इज़ वन पार्ट बट अदरवाइज वी हैव अवर कैंप्स वी आर फैमिली क्वार्टर्स आर लोकेटेड सो दे आर क्वाइट नो वेल डिजाइंड वी ट्राई टू मेनटेन दैम वेल सो दैट दी पर्सन लिविंग इन इट कैन लिव पीसफुली एंड कंफर्टेबली वी हैव सम बाई वर्च्यू ऑफ अवर नंबर्स we get advantage in organizing several services for them at uh, very affordable rates okay. and some sports activities for the children who are staying in these quarters. then we have the family welfare centers in each battalion. we have a concept called uh, bsa wives welfare association and that is quite active. they do a lot of activities uh, involving the uh, wives and children of the soldiers. सो आई थिंक वी एट ऑर्गेनाइज इन दैट यस सरकार की बहुत सारी नई स्कीम्स हैं जैसे स्वच्छ भारत अभियान है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिट्स भी चल रहा है तो इसके अंतर्गत कुछ कार्य किए जा रहे हैं बहुत आपके आपने जो मिलिट्स की बात कही इसमें आपको बताएं कि बीएसएफ ने इसमें बहुत बड़े कदम उठाए हैं और काफ़ी फासला तय किया है फॉर एग्जाम्पल अभी पिछले महीने एक हमने एग्रीकल्चर फूड मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट किया था कि मिलेट्स को हमको uh, डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो आप हमारे कुक्स को थोड़ा कुछ uh, ट्रेनिंग दीजिए इन व्हाट ऑल वेज वी कैन यूज़ मिलेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेट्स सो दे एग्री टू डू दे देगेनाइज कोर्सेज फॉर अस सो वी कॉल्ड कुक्स फ्राम अदर एफ्स एंड वी ऑर्गेनाइज ए बिग सेशन for these people to acquire skills for using millets in the di in the you know, food program. and uh, after that, we also held one exhibition here in which various people from industries uh, brought their products, millets, snacks, millet biscuits, millet cakes, and several other things which could be used uh, in a more convenient um, fashion by people who are, you know, short of time so ready to cook or easy to cook kind of uh, preparations so i think that was a great success and let me tell you in all our messes in the bsf we are using millets in big way and there is no meal whether official dinner or uh, you know some kind of a ceremonial thing we always have at least one or two dishes made out of millet and our millet kheer is awesome To to काफ़ी लोगों का ये प्रश्न रहता भी है दैट दैट वी आर ऑफ़ डिफरेंट डू। अगर BSF की बात करते हैं, तो उनके कार्य अलग रहते हैं आर्मी की बात करते हैं तो उनके कार्य अलग रहते हैं ये दोनों अलग कैसे हैं आपस में जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं विच आर एज इंटरनेशनल बॉर्डर्स बाई कंट्रीज एंड इंटरनेशनल कम्यूनिटी there it is expected to be peaceful and there is uh, uh, what is required there is just regulation of movement of people in and out of the border mm, according to the laid down rules visa regime whatever so there border guarding forces are placed and where there is lc where the there is a dispute and the borders are still not settled but some kind of agreement has been reached between the two sides that for the timing, we'll keep it till we resolve over issue. But that places are usually a little more volatile. For example, what we call LC and the Indo-Pakistan border, we used to have a lot of skirmishes there. For the last two years, it has been somewhat peaceful, but uh, there have been a lot of skirmishes there and infiltration of terrorists, etc. So there, BSF and Army are, uh, you know, doing the duty together. And there are some places where LC only. Army is there. There are some places where only we are there. So, like that, there are different borders because of nature of uh, certain borders and uh, some uh, unusual circumstances. Some variations may be there, but largely, border guarding forces are bang on the border, and army stays just behind. And they come to the border when required. Mm -hmm. the, otherwise, they train. They do other duties. Um, as I said, in certain places they do the 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 border guarding themselves. So, yeah, these are the things. We often talk about our rights uh, as a population of the country. और एक खैर स्वाभाविक भी है कि सब rights के बारे में ही बात करते हैं अगर बात की जाए उन लोगों के लिए उन villagers के लिए जो borders पे हैं उनकी कुछ duties भी रहती हैं अपने देश के प्रति जो आप इस माध्यम से उनको बताना चाहें Duty तो हर citizen की है not only the border population. और उनकी duty ये होती है कि अगर वो कोई भी चीज़ ऐसी कोई अजनबी को देखते हैं अपने गांव में तो उसको तुरंत सबसे नज़दीकी बी बी एस एफ की चौकी या जो भी पुलिस चौकी जो नज़दीक में उसको जाके इतला दें और अगर कोई हथियार वगैरह का मूवमेंट देखते हैं उसके बारे में खबर दें या कोई कॉन्ट्राबैंड का मूवमेंट देखते हैं या कोई आदमी या कोई शख्स कॉन्ट्राबैंड लाने ले जाने का कुछ हिसाब किताब देख रहा है तो उसकी खबर दें बेसिकली दे शुड एक्ट एस आइज़ एंड ईयर्स of the state of the country and help the forces in uh, you know uh, fighting this menace then they should always be patriotic like all of us are and most of the people are there will be very few who are not but we expect a little more in the border area and obviously because of the proximity of the border uh, and uh, and we are getting that kind of support as i said in the beginning i told you example of punjab Yeah. so we we are are having a lot of cooperation and and quite satisfied with the way border people uh, conduct themselves and behave towards us अपना कीमती समय आज हमारे लिए निकाला हमारे देशवासियों के लिए निकाला एंड आई एम श्योर ये सारी जो एडवांसमेंट हैं अचीवमेंट्स हैं ये सब हम जानना चाहते हैं किस तरह बी तरक्की कर रहा है सो थैंक यू सो मच फॉर यू बीएसएफ के उनसठवें स्थापना दिवस पर मैं आप सभी को बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पिछले अट्ठावन सालों में बीएसएफ ने अनेकों चुनौतियों का सामना किया है और हमेशा उन पर विजय पाई है बीएसएफ ने अब तक उन्नीस शहादतें दी हैं ये सब देश की रक्षा और देशवासियों की हिफाजत के लिए की हैं इस अवसर पर मैं आप सब से ये कहना चाहता हूँ कि हम हमेशा देश को पहले रखें नेशन फर्स्ट और हमारे सारे कार्य उसी के अनुरूप हों और हमारे कार्यों से देश की प्रगति और शक्ति में विकास हो ऐसा हमें करना चाहिए जय हिंद